नमस्कार डीएनएक्स विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी की जन्म स्थली पर छिड़े विवाद के बारे में। हनुमान जी की जन्म स्थली पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच छिड़े विवाद में अब छत्तीसगढ़ ने भी अपना दावा किया है। छत्तीसगढ़ का दावा है कि रायगढ़ का किंधा पहाड़ हनुमान जी का असल जन्म स्थल है। रामायण काल के समय का किष्किंधा का अब किंधा हो गया है। यहाँ बाली व मायावी राक्षस के बीच महाभारत तक चले भयानक युद्ध की गुफा भी है। यह गुफा किंधा गांव से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों का दावा है लंबे समय तक गुफा के अंदर से लाल पानी आता रहा, लेकिन अब वह सूख चुका है। वनवास काल में भगवान राम का छत्तीसगढ़ में आगमन पूर्व में प्रमाणित हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जहाँ जहाँ राम का आगमन हुआ वहाँ वहाँ राम वन गमन पथ निर्धारित किया गया है। इसमें किंधा गांव भी है। किंधा ग्राम पंचायत के सरपंच रामनाथ बैगा ने बताया कि वनवास काल के दौरान भगवान राम किंधा गांव आए थे। गांव में इसके प्रमाण मौजूद है। यहाँ से पास में वह गुफा भी है जहाँ बाली राक्षस को मारने गए थे। इस पहाड़ी की दीवारों पर भीमबेटका की तरह प्राचीन भित्ति चित्र भी है। पहाड़ियों से घिरा गांव है हनुमान जी का जन्म स्थल। रायगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के दोनों ओर पहाड़ है। गांव के बुजुर्ग घासीराम राठिया बताते हैं गांव के करीब 50 मीटर दूरी पर स्थित पहाड़ किष्किंधा है। यहां सुग्रीव व राम की मित्रता हुई थी। इसी किष्किंधा में हनुमान जी का जन्म हुआ है। सीता हरण के समय जो जेवर सीता जी ने नीचे फेंके थे वह भी वही मिले थे। दावा है कि राम सुग्रीव और हनुमान का मिलन किंधा गांव में ही हुआ था। यहीं से रावण की लंका में चढ़ाई की कार्य योजना भी तैयार हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।